मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और ये एलिमेंट लिखने हैं A13, A21, A33, A24 और A23। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसमें कितनी रोज है, 1, 2 और 3, ये पहली रो है, दूसरी रो है और तीसरी रो है, तो 3 रो हो गई इसकी। और कितने कॉलम्स हैं इसके, 1, 2, 3 और 4, 3/4, इसका ऑर्डर तो 3/4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 × 4 कर दीजिए आप, उतने एलिमेंट होंगे इसके, 12 एलिमेंट है, देखिए 3 × 4। अब इसको कैसे निकालते हैं, A13, A21। A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये पहला नंबर हो गया A13, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 35 हो गया ये, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये -5 हो गया ये वाला, फिर A24 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये, फिर उसके बाद आपका A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2, ये सारे नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए 24 एलिमेंट हैं तो जितने मल्टीपल हो सकते हैं m×n फॉर्म में, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो m×n होंगे, तो पॉसिबल कितने हो सकते हैं 24 में, 24 में आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको 24 आना है, तो 24 कैसे आ सकता है, 1 × 24, 24 × 1, सबसे इजी तो ये है, फिर 2 × 12, 2 रो और 12 कॉलम, 12 रो और 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 8 × 3 = 24, 4 × 6 = 24, 6 × 24, इस तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे। पॉसिबल जो ऑर्डर्स है मैट्रिक्स के वो किस तरीके से हो सकते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 12 इस तरीके से 6 × 4 तक। वॉट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, देखिए 13 एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं हो सकता, केवल 13 × 1 और 1 × 13 हो सकता है, क्योंकि दो नंबर ये प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब ये या तो खुद से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, 1 × 13 या 1 रो हो सकती है, 13 कॉलम हो सकते हैं, या 13 रोज हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, फिर इसमें भी यही तर्क लगेगा, 18 है तो 18 किसी दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे 18 जब तक आएगा वो इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 18 कैसे बन सकता है, 1 × 18, देखिए आप 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, ये सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जबकि वन जो 5 है, 5 क्योंकि अगेन ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका 5 और 1 और 1 और 5 ही बन सकता है, ये इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 और 5 और 5 और 1 पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 5 में आते हैं, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, अब 3/4 आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे इस तरीके होंगे, इसमें करना क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स 3/4 की कैसे होती है, फर्स्ट रो 1, सारे जो ए के जो पहला सबस्क्रिप्ट होगा वो आपका होगा 1 1 1 1, देखिए सब इस 1 1 में इसके 2 होंगे, दूसरे रो के और तीसरे रो के यहाँ पर 3 3 3 3, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कॉलम की बात करें तो जो सेकंड होगा वो 1 1 1 होगा, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, तो A11 से लेकर A34 तक इस तरीके से मेंबर आएंगे, A11 11 12 13 14, फिर A21 23 22 23 24, A31 32 33 34, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या ए आई जे यानी कि आपको आई और जे, ये आई और जे वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 ये 3/4 है, तो ये 1 2 3 तक वैरी करेंगे, ये 1 2 3 4 तक वैरी करेंगे, 4 है ना ये, तो A11 यहाँ 1 और 1 डालिए, आई की जगह 1 डालिए, जे की जगह आप 1 डालिए, आपको जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से A21 में आई की जगह 2 डालिए, जे की जगह 1 डालिए और ये वैल्यू आएगी, ए की जगह 3, जे की जगह आई की जगह 3, जे की जगह 1,
फोर आएगा, ए आई की जगह वन टू, इस तरीके से सारी वैल्यू डालते रहिए। क्योंकि मॉड है तो खास ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी जो मेम्बर है वो आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए वन फोर निकालना है तो आई की जगह वन रख दीजिए और जे की जगह फोर रख दीजिए, और यहाँ पर एक कंप्यूट करिए थ्री फोर के लिए, आई की जगह थ्री और जे की जगह फोर कंप्यूट करिए फाइव बाई टू। तो एक मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी आपकी, और यहाँ पर ए आई जे अगेन थ्री बाय फोर है, तो आई जो है वेरी करेगा वन टू थ्री। थ्री बाय फोर मतलब होता है तीन रो, तो ये पहला जो आई है आई स्टैंड्स फॉर रो, तो तीन ही हो सकते हैं वन टू थ्री। जो दूसरा है जे दैट स्टैंड्स फॉर कॉलम, कॉलम कितने हो सकते हैं चार, तो वन टू थ्री फोर तक वेरी कराया हमने। और इसमें वैल्यू ए वन वन है, तो बस आपको ये वन वन क्या करना है, आई की जगह वन जे की जगह, ये आई है ये जे है, आई की जगह वन जे की जगह वन, यहाँ पर ए आई की जगह थ्री जे की जगह टू, ऐसे सारे आपको 12 मेंबर निकालने हैं, 12 मेंबर यहाँ पुट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब दो मैट्रिसेस को इन्होंने इक्वेट किया है, इक्वेट करने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं, यानी कि ए टू बाई टू मैट्रिक्स है तो ये फोर इसके बराबर होगा, एक्स वन के बराबर होगा, थ्री जेड के बराबर होगा, पाँच पाँच के बराबर तो है, ये सब में इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। शुरुआत करते हैं, यहाँ तो खैर क्लियर अभी मैंने बता ही दिया, वाई फोर है, जेड थ्री है और एक्स वन है। इस तरीके से अब अगले वाले में आते हैं, तो एक्स प्लस वाई को इक्वेट करिए आप सिक्स से, टू को टू से, क्या टू का तो टू है, फाइव प्लस जेड फाइव से और एक्स वाई एट से। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको जेड जीरो मिलेगा, और ये आपको एक क्वेश्चन लगानी होगी x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई आपके पास है और एक्स वाई आपके पास, तो एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं, ये प्लस माइनस टू आएगा। तो एक बार टू लेके चलेंगे, एक बार माइनस टू लेके चलेंगे, देखिए एक बार माइनस टू लिया और एक बार टू लिया यहाँ पे, तो इसके लिए वाई टू आएगा और फोर आएगा, तो ये इसके लिए ये दो वैल्यूज आएंगी एक्स वाई और जेड। यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज नाइन, x प्लस जेड इज फाइव और y प्लस जेड इज सेवन, इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपके पास y फाइव आएगा और z तीन और x टू, y फोर और z थ्री। सेवन वाले में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, इसमें भी यही करना है आपको, सीधा a माइनस बी को इक्वेट कर दीजिए माइनस वन से, टू ए प्लस सी को फाइव से, टू ए माइनस बी को जीरो से, थ्री सी प्लस डी को थर्टीन से। आपके पास जो इक्वेशन बन रही हैं वो ये है, इनको सॉल्व करिए, बहुत आसान है इनको सॉल्व करना, और आप वैल्यू देखेंगे आपकी ए वन बी टू सी थ्री और डी फोर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, इफ ए आई जे एम इनटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम सेम है, तो एम इक्वल टू एन, ये आंसर सी हो गया इसका, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एम हैज टू बी इक्वल टू एन, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसमें भी यही करना है आपको, थ्री से एक्स प्लस सेवन को जीरो से इक्वेट करिए, फाइव को वाई माइनस टू से, वाई प्लस वन को एट से और टू एक्स माइनस थ्री को फोर से। इसको सॉल्व करिए एक्स वाई जेड के लिए, जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यूज आएंगी आपकी, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी। उसका कारण क्या है, देखिए टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने इक्वेट किया तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक्स आपका माइनस सेवन बाई थ्री आ रहा है, एक्स का माइनस टू बाई थ्री आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसका इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। दस में आ रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ थ्री बाई थ्री विद एंट्री जीरो और वन इज। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ थ्री बाई थ्री, यानी कि एन नाइन एलिमेंट्स हैं इसमें, उसमें नाइन एलिमेंट्स हैं और जीरो या वन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर इसको टच दिया जाए तो देखिए नाइन एलिमेंट्स हैं और जीरो वन भरना है मैट्रिक्स में, तो टू जीरो या वन, या टू होगा ये जीरो होगा या वन होगा, और नाइन इसके पावर कर दीजिए, एलिमेंट्स हैं टू टू द पावर नाइन, ये इसका उत्तर होना चाहिए, तो 512 यानी कि डी, द करेक्ट आंसर इज डी। क्लास ट्वेल्थ मैट्रिसेस के चैप्टर थ्री देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है ए बी और सी दिया है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, थ्री ए माइनस सी, ए बी और बी ए निकालना है।
ए प्लस बी में क्या करेंगे, दोनों में जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं वो जुड़ते हैं, 2+1, देखिए 2+1, 4+3, 3+2 या 3+-2 होगा, 3-2 और 2+5, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ए माइनस बी करेंगे तो 2 को -1 करना है, 4 को -3 करना है, 3 को -2 करना है, 3-2 मतलब 3+2 हो जाएगा, ये 2-5 करेंगे, ये उत्तर आएगा इसका। अब 3a+b, पहले जो a है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो हर वैल्यू है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी इसको आपको c से माइनस करना है, तो 6 − 2, 6+2, 12 − 5, 9 − 3 और 6 − 4, ये करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि आपको a इंटू बी करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या करेंगे कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 1 ये, और फिर प्लस करेंगे 4 × −2, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इस रो को पहली रो से करेंगे जब तक सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाते, पहली रो को ही 3 और 5 से करेंगे, इसका मतलब 2 × 3 + 4 × 5। अब आते हैं इस पे, ये रो 3 और इस कॉलम को करेंगे, 3 × 1 + 2 × −2, ये देखिए 3 × 1, 2 × −2, इसी तरीके से 3 × 3 + 2 × 5, और यहाँ पर ऐसे रखेंगे, तो 2/2 है पहला और दूसरा भी है 2/2, तो ये 2/2 इसका फाइनल आपका कंप्यूटेशन आएगा। b इंटू ए में भी ऐसे करना है, b को पहले ले लेना है, a को बाद में ले लेना है, इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करिए, हर मेंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना, देखिए मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, फिर इस रो को इस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, हर कॉलम को हर रो से मल्टीप्लाई करना है जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए और जब तक रोज खत्म ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कंप्यूट द फॉलोइंग, अब इनको कंप्यूट करना है, सिंपल एडिशन है इसमें, तो देखिए ए ए को जोड़िए, बी बी को जोड़िए, ए प्लस ए इज 2a, बी प्लस बी इज 2b, माइनस बी और बी को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a आएगा। यहाँ पर आते हैं, इनको जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 2ab से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2bc से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को −2ac से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को −2ab से, ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये ए माइनस सी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, 3 है, इनमें क्या है करस्पॉन्डिंग को जोड़ना है, जो जहां पर ठहरा हुआ है 2, अगर आप प्लस करें माइनस करें उन्हीं के साथ ऑपरेशन होंगे, ये जो ऑपरेशन है हर एक एलिमेंट का होगा, तो −1 का आप देखिए इसको ऐड कर दीजिए इस तरीके से, 5 को 4 से ऐड करिए, ये सारे आप ऐड करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपको ये आएगा। यहाँ पर देखिए cos² + sin² + cos² + sin² + cos² + cos² + sin², हर जगह sin² + cos² 1 होता है, इसलिए सारा 1 आ गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो पहले प्रोडक्ट के लिए ना पहले चेक कर लीजिएगा कि भाई पॉसिबल भी है क्या नहीं है, तो ये 2/2 है, ये 2/2 है, ये इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए, ये है, अब आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एक ही करके करेंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं, तो इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, उन दोनों को यहाँ रख देंगे, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, उसको यहाँ रख देंगे, फाइनली आपको ये कुछ बनेगा ऐसा, तो a² + b² = 0, a² b² आएगा। यहाँ पर आपका क्या है, ये है कितने रो हैं इसमें, 3 रो और 1 कॉलम, और इसमें कितना है, 1 रो और 3 कॉलम, यानी कि कर सकते हैं आप, ये दोनों बराबर है ना, पहले वाले का जो कॉलम है दूसरे वाले रो के बराबर होने चाहिए, वरना ये मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, नंबर तो उतने ही होने चाहिए ना, जितने रोज है उतने कॉलम्स होने चाहिए, इसलिए अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये खैर मैं बता चुका हूँ इसको, इसलिए आप सीधा इस 1 को 2 से करें यहाँ लिख दें, 1 को 3 से करें यहाँ लिख दें, 1 को 4 से करें यहाँ लिख दें, 2 को 2 से करें यहाँ लिख दें, 2 को 3 से करें यहाँ लिख दें, 2 को 4 से करें यहाँ लिख दें, 3 को 2 से करें यहाँ लिख दें, 3 को 3 से करें यहाँ लिख दें, और 3 को 4 से करें यहाँ लिख दें, तो आप देखिए 3/1 और 1/3 ये मैट्रिक्स थी, ये हट जाते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स आ जाती है, तो 3/3 देखिए 9 एलिमेंट्स आ गया इसमें।
इसमें भी ऐसे ही आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये रो को पहले ये कॉलम से, फिर ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से, करस्पॉन्डिंगली आपको दूसरी रो को भी ऐसे करना है। यहाँ पर भी ऐसे करना, होपफुली आप कर लेंगे। ये भी मल्टीप्लीकेशन ऐसी है, ये भी मल्टीप्लीकेशन ऐसी है। अब क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं, ए बी सी आपको दिया है, आपको ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी करना है, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो ए और बी को जोड़ दीजिए, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, बी माइनस सी कर दीजिए, जो बी आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको दिया हुआ है, उसको ये उसकी वही वैल्यू आएगी। ए प्लस बी माइनस सी यानी कि आपके पास जो बी माइनस सी आया था ये वाला, इसको उतार लीजिए और बी ए के साथ जोड़ दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। इसी तरीके से ए प्लस बी करिए यानी ए और जो बी को जोड़िए और उसको सी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सी उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ये इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव। अब ए और बी है, हमको थ्री ए माइनस फाइव बी करना है। सबसे पहले हम जो पहले वाली ए मिला है उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें फ़ायदा क्या होगा, सब में थ्री जो है वो डिनोमिनेटर है, सब में थ्री कट जाएगा। दूसरे वाले में सब में डिनोमिनेटर फाइव है, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सब में फाइव कट जाएगा। तो बस सीधा ए हर एलिमेंट को एक दूसरे से माइनस कर दीजिए, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो नल मैट्रिक्स मिलेगी, एम्प्टी मैट्रिक्स मिलेगी। क्वेश्चन सिक्स पे आ गए हैं, सिंप्लीफाई दिस। इसमें क्या है कि आपको पहले जो भी बाहर एलिमेंट है उसको सब एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर, कॉस साइन, माइनस कॉस साइन और कॉस स्क्वायर। इस तरीके साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस, साइन कॉस और साइन स्क्वायर, यहाँ पर हमें ये सारे लिख दिए। अब एडिशन कर दें इनको, एडिशन करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, और कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। ये तो जीरो जीरो हो रहे हैं, ये कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, इसलिए यहाँ वन और यहाँ वन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में आ गए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आपको ये मिला है, आपको एक्स निकालना है, टू एक्स प्लस थ्री वाई थ्री इस तरीके से मिला हुआ है। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, टू एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, ये दोनों मैट्रिसेस का एडिशन आ जाएगा। तो टू एक्स देखिए इन दोनों को ऐड करिए, सेवन प्लस थ्री जीरो प्लस जीरो, टू प्लस जीरो और फाइव प्लस थ्री, यहाँ पर आ गया टेन जीरो टू एट। तो एक्स तो आपको यहाँ पर आ गया, डिवाइड बाई टू कर दीजिए, हर एलिमेंट को टू से डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, तो 5104 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस वाई आपके पास ये है, अब आपके पास रिजल्ट तो ये दिया ही हुआ है, तो x आपको मिल गया सीधा y यहाँ पर रख दीजिए, y आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा नॉर्मल, जैसे आप अर्थमेटिक करते हैं। अब वैल्यू घटा दीजिए, आपके पास y आ जाएगा 2101। इसमें 2x प्लस 3y है और 3x प्लस 2y है यहाँ पर, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ आप टू से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ थ्री से कर दीजिए, सारे एलिमेंट्स को करना पड़ेगा। या टू से किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, आपको थ्री से किया ये वाली वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स भी सब थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जो एलिमेंट बने उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो दो इक्वेशन बनी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि हम ये सिक्स वाई सिक्स वाई हटाना चाहते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास आएगा माइनस फाइव एक्स। तो ये दोनों को माइनस करिए, आपके पास ये माइनस टू ट्वेल्व इलेवन माइनस फिफ्टीन आएगा, तो एक्स आपका क्या बनेगा माइनस फाइव है, तो वन बाय फाइव यहाँ पर ले आइए, सब फाइव से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए इसको, जैसे हमने यहाँ पर टू एक्स में की जगह यहाँ पर रख दिया, और फिर आप सीधा वाई निकाल सकते हैं। पहले तो आप टू से सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे और फिर थ्री से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइव की। क्वेश्चन नंबर एट पे बढ़ रहे हैं, एक्स निकालना है जहाँ वाई आपको ये मिला है, टू एक्स प्लस वाई यहाँ मिला है। तो ये तो बहुत ईजी आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या करना है, सीधा y को यहाँ रख देना है, y को हमने यहाँ रख दिया, इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस करेंगे दोनों को, 2x आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी ये उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से डिवाइड किया तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन। अब यहाँ पर आपका है x और y निकालना है जब ये दोनों है, तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर इसके, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दीजिए एक एक एलिमेंट करके, ये जोड़ दिया, अब हर एक एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए, छः छः तो खैर बराबर है, टू एक्स प्लस टू आठ और टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, ऐसे ही इक्वेट करेंगे आप तो आपके पास वाई थ्री आ जाएगा, एक्स थ्री आ जाएगा,
आप क्वेश्चन 10 पे जाते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स को, ये आ जाएगा। सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। और आप एक एक करके इक्वेट कर दीजिए, 2x+3 9 आ जाएगा, 2y 12, 2z-3 15, 2t+6 18। इनको सॉल्व करेंगे, x3 y 6, z आपका 9 और t=6। क्वेश्चन 11 में है, x into this matrix + y into this matrix is 10/5। तो x मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x+3y हो जाएगा, और ये -y हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2x - y 3x + y = 10 और 5। इक्वेट कर दीजिए कि करके, 2x + y = 10, 3x + y = 5। सो इक्वेट करेंगे, x आपका 3 आएगा, y आपका -4 आएगा। वावे पे आते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 3z 3y 3w। यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, x 4+x हो जाएगा 6+x+y, ये -1+z+w और 2w+3, ये आ जाएगा। अब इक्वेट कर दीजिए इनको एक एक करके, ये इक्वेशन बनेगी, 3x = x + 4, x2 मिलेगा इससे, 3y = 6+x+y, y 4 आएगा, यहाँ पर w 3 आएगा, z = 1। 13वें में आते हैं, fx आपको ये मिला हुआ है, शो दैट fx into fy = fx + y। तो fx क्या होगा, x रख दीजिए इसमें और fy में, सारी जगह y आ जाएगा। तो fx + y क्या होगा, x की जगह, यहाँ जो है x की जगह x + y कर दीजिए आप। देखिए अब ये जो है, ये तो fx + y है, हम fx into fy अलग अलग करेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताएंगे कि देखिए इसके बराबर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करिए एक एक करके, कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम से, यानी cos x into cos y + sin x into sin y + 0 into 0, ये वाला, इस तरीके से बाकी सब करके यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए, ये तो होता है cos a + b, ये हो जाएगा साइन माइनस, अगर बाहर लें तो साइन a + b, ये होता है साइन a + b, ये होता है cos x a + b, ये माइनस है ना, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, बाकी तो 0 0 0 और 0 0 1 आ रहा है आपके पास, ये भी 1 है। तो ये देखिए fx + y के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, यही हम चाहते थे। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताएंगे दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसी तरीके से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिखाएंगे कि ये बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन 5 × 2 + -1 × 3 5 × 1 + -1 × 4 6 × 2 + 7 × 3 और 6 × 1 + 7 × 4, ये देखिए उसको सॉल्व करेंगे, 7 1 33 34 आएगा। फिर इस ये दूसरा जो राइट हैंड साइड है इसको मल्टीप्लाई करें, ये 16 5 39 और 25 आएगा, ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहला, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों की वैल्यू देखेंगे, एक की ये आ रही है, एक ये आ रही है, जो कि एक जैसी नहीं है, देयर नॉट आइडेंटिकल। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, a² - 5a + 6i इफ ए इज दिस। देखिए साहब, a² है ना, a × a, ए को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a × a, आपके पास ये मैट्रिक्स है, पहले a × a कर लें, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, यहाँ उतार लीजिए इसको। 5 × a, जो भी a इनिशियल चल रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो 3x3 मैट्रिक्स है, आपके पास आइडेंटिटी इसकी लिखनी पड़ेगी आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है कि इसमें डायगोनल जो होंगे सारे 1-1 होंगे, बाकी सब 0-0 होंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 6 6 हो जाएंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 5 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको इसे माइनस करिए और जो रिजल्ट आया उसको प्लस कर दीजिए यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको जोड़ना या घटाना पड़ेगा, फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 16 पे आ रहे हैं, ए ये है, इसमें ए क्यू है, -6a² + 7a + 2i। तो जो ए है, पहले तो a² निकालना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी, अच्छा ये a² जो है वो डायरेक्ट यहाँ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर ए क्यू कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू आपकी a² से आई है उस पर a का और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब एक एक करके वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, किसमें,
ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई में। आई क्या होगा आपका, जैसे मैंने अभी बताया था, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है, वन 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 इसके डायगोनल होंगे, बाकी जीरो जीरो जीरो। यहाँ पर सात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ छः से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे जैसे आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन का बताया गया है। फिर इसको इससे माइनस करिए, ऐड करिए, ऐड करिए, सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये जीरो आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट जीरो। यहाँ पर भी ऐसे करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिली हुई है, ए मिला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई है, और आपको के फाइंड आउट करना है। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी, फिर के इंटू ए कर देंगे, माइनस टू आई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड अलग से लेते हैं, ये के ए हो गया, ये माइनस टू आई, तो इससे इन दोनों को, इस सबको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये दोनों मैट्रिक्स आएगी, इसको माइनस कर दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, और फिर एक एक करके इक्वेट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक एक करके इक्वेट करेंगे, आपका के इक्वल टू वन आ जाएगा। 18 में जाएंगे, आपके पास ए कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया है, आई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 0 0 वाली, आपको ये शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आई प्लस ए करें पहले, ये वाला आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी 1 डायगोनल में 1 1 रख दीजिए, 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ए के साथ जोड़ दीजिए इसको, जब जोड़ेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड में आइए, पहले आई माइनस ए निकालिए, फिर बाद में इसे मल्टीप्लाई करिए, तो आई माइनस ए करेंगे तो आपके पास ये, मतलब ये वैल्यू माइनस करेंगे तो इसमें तो कुछ खास होना नहीं है, 1 1 तो 0 0 के साथ होगा, बाकी वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर कुछ करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा प्रॉपर, इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, फाइनल रिजल्ट जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हमको करना पड़ेगा, देखिए जो कॉस अल्फा है, अब हमारे पास हाफ अल्फा बाई टू भी अल्फा है, तो दोनों या तो हम अल्फा बाई टू को अल्फा करें या अल्फा को अल्फा बाई टू करें, दोनों को कैसे चेंज करेंगे, कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर भी कॉस अल्फा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस, यहाँ पर लिखा इसी तरीके से, यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1, यहाँ पर साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, इस साइन की जगह 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, इस कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, सबको अल्फा बाई टू में चेंज कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, और जब ये वैल्यू मिलेंगी तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो है आपकी वो कैंसिल आउट हो जा रही है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में है। 19 में आते हैं, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 30,000 रुपए हैं इसको दो डिफरेंट बॉन्ड्स में आपको स्पेंड करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहला बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट देता है, और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये बताना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000, देखिए 5% इंटरेस्ट एक में है और दूसरे में 7% इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको करना है, एक एक्स और इन्वेस्ट करेंगे किसी एक में, और अगर एक्स इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, कुल मिला के 30,000 है, तो 30,000 माइनस एक्स, और ये कितना है 5% और 7%, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आना चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टाइम एक ईयर के लिए पी आर टी बाय 100, तो पी आर बाय 100 ये हमने यहाँ यूज़ किया है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 1800 के बराबर कर दीजिए, यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, आपका एक्स मिलेगा 15,000, तो 1800 के लिए आपको इन्वेस्ट कैसे करना पड़ेगा, 15,000 के लिए करना पड़ेगा। अगले के लिए क्या है कि कुल मिला के अमाउंट है 2000, सेम चीज़ करेंगे, बिल्कुल सिमिलर, बस अमाउंट 2000 हो जाएगा, सेम स्टेप अपनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को और एक्स निकालेंगे, एक्स 5000, तो अगर 2000 आपको चाहिए एनुअल टोटल इंटरेस्ट, तो 5000 और 25,000 इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। 20वें क्वेश्चन में आ गए हैं, वर्कशॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स है, 8 dozen फिजिक्स बुक्स है, 10 dozen इकोनॉमिक बुक्स है, सेलिंग प्राइस पहले का 80 है, दूसरे का 60 है, तीसरे का 40 है। अगर मैट्रिक्स एल्जेब्रा से निकालना है कि अगर वर्कशॉप कितना अमाउंट गेन करेगा, बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना है कि 10, 8 और 10 लिख देना है,
12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि डजन में है, डजन एक डजन होता है 12 के बराबर, और यहाँ पर 80, 60 और 40 ये रोज में आएंगे, कॉलम्स में आएंगे, मल्टीप्लाई करिए इसको, सीधा आपकी जो वैल्यू आएगी 20160, ये इतना इसको बुकशॉप विल रिसीव दिस मच अमाउंट फॉर सेल ऑफ ऑल दिस, इतना ये कमाएगा बुक को सेल करने के बाद। अब 21वीं में आ गए, अज्यूम दिस एक्स टू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस 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 दिस, रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। देखिए साहब, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई यानी कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं ऐसे करके बताता हूं आपको, पी और वाई, पहले तो पी वाई को देखिए, अगर ये मल्टीप्लाई होना है पी के पास क्या है, पी है आपका पी इंटू के, और वाई क्या है, वाई है आपका थ्री इंटू के। तो देखिए के और तीन बराबर होना चाहिए, के इक्वल टू थ्री, पहली चीज से ये हो गया ठीक, के इक्वल टू थ्री आपको जहां जहां मिल रहे हैं ये और ये, इनमें से एक होना चाहिए। अब अगले पे आइए, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई मतलब डब्ल्यू में क्या है एन इंटू थ्री, और वाई में क्या है थ्री इंटू के, तो ये तीन तीन है, तो बस आप बस पी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू थ्री, ये आपका उत्तर आ जाएगा दिस वन सी। 22वें में है, सेम यही चीज है, शो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, मैट्रिक्स इज दिस, तो हम क्या करेंगे देखिए एक एक करके करते हैं, पहले 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, अगर हमको x से p तक मैट्रिसेस दी हुई है, स्पेशली इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो चलिए x देख लेते हैं और z देख लेते हैं, x का क्या है 2 इंटू एन, x है 2 इंटू एन, और z क्या है, ये 5 7 और 5 से कोई मतलब, ये तो स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन है, z आपका आ गया, ये x है ये y है ये z है 2 इंटू p। तो देखिए ये दोनों का जो जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए, यानी 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू p, या n इक्वल टू p, n इक्वल टू p, अगर इसको हम रिजल्ट निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा तो आपका दिस करेंट आंसर विल बी 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, क्योंकि p और n जो है वो बराबर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3 देख रहे हैं मैट्रिसेस का, क्लास 12th चैप्टर 3 ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको सीधा रो में बना देंगे। इसी तरीके से अगले में जाके अच्छे से समझाता हूँ आपको, ये देखिए ये रोज है, इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, ये कॉलम हो गई, इस रो को हम कॉलम बदल देंगे, ये कॉलम हो गया, इस तरीके से ये रोज है, ये रो को हम कॉलम में बदल देंगे, ये रो को हम कॉलम बदल देंगे, ये रो को हम कॉलम बदल देंगे, रोज को कॉलम में बदलना है बस, ये आपका हो जाएगा काम जो आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। इस तरीके से आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, और रिफाई करना है ए प्लस बी दोनों को जोड़ के, फिर अगर आप इसका ट्रांसपोज लें या अलग अलग ट्रांसपोज लें तो जोड़ के तो बराबर आता है कि नहीं आता है। इसी तरीके से ए माइनस बी इसका आप ट्रांसपोज लें तो अलग अलग ट्रांसपोज ले के माइनस करें तो कैसे होगा। चलिए पहला लेते हैं, आपके पास ए और बी ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये आएगा, ये हमने सब रोज को कॉलम बना दिया, यहाँ भी हमने रोज को कॉलम बना दिया, ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या है कि ए प्लस बी हम अगर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये जो रोज है इसको कॉलम में किया, ये रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, ये रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, और फिर हमने इसके जो ट्रांसपोज निकाले थे उनको अलग अलग जोड़ा, यहाँ पर ये वैल्यू आई। आप देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है, ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से ए माइनस बी कर सकते हैं, हमारे पास ए है बी है, दोनों को माइनस करिए, एक एक करके माइनस होगा, ये वैल्यू आएगी। अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि
कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे आप रोज़ का, कॉलम कॉलम का रोज़, वो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अलग अलग करके देखिए, जो आपने वैल्यू निकाली थी ए और बी की अलग अलग, इनको माइनस करिए, ये वैल्यू आएगी। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज अलग और बी ट्रांसपोज अलग। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। आपका ए जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर ए ट्रांसपोज है वो ये है, बी ये है, हमको वेरीफाई करना है। अगेन ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे, इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग, इसी तरह इसके लिए भी करना है जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम ऐसी है। ए माइनस बी का आप ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग। और हमको ये पता है कि ए जो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का ट्रांसपोज का, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए ही वैल्यू मिलेगा, मतलब एक वैल्यू के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये ए है और बी है, बी का हम ट्रांसपोज ए प्लस बी करिए पहले, फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए, ये आएगा आपका। और अलग अलग इसको जोड़िए, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो आपको ये आएगा, आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें सेम है। इसी तरीके से ए माइनस बी करिए, जो आपके पास ए और बी की वैल्यू है आपके पास ये आएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि इस रो को आप कॉलम कर दीजिए, इस रो को कॉलम कर दीजिए। अब अलग अलग लीजिए, ए और बी अलग अलग लीजिए और उसको मतलब ट्रांसपोज करके जो वैल्यू आई उनको माइनस करिए, आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ये है, यानी ट्रांसपोज ये है और बी ये है, आपको ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब ए पहले तो ए निकालना पड़ेगा, ये ए निकालना पड़ेगा, तो इसका कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही ए वैल्यू आ जाती है, यानी कि मैं पहले रो को कॉलम में करूँ फिर कॉलम को रो करूँ तो पहली वाली रो वाली मिल गई ना मैट्रिक्स। तो हम इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, देखिए कैसे किया, ये रो जो है इस रो को हमने कॉलम बना दिया, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, तो हमने हमें ए मिल गया, बी हमारे पास है, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी ये उसका रो को कॉलम बदल दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करेंगे, ए लीजिए बी लीजिए, आपके पास ये जो वैल्यू है ए बी इसकी, पहले तो ए इंटू बी कर दीजिए, ए इंटू बी, इसको सिम्प्लीफाई करिए, इसको सिम्प्लीफाई करिए, इसको सिम्प्लीफाई करिए। पहले तो देखिए मेरे ख्याल से ये है 1 1, माइनस 1 यहाँ आएगा, फिर 1 2 यहाँ आएगा, फिर 1 3, 1 1 1 यहाँ आएगा, इस तरीके से 4 माइनस 1, और बाकी आप कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन आ गया, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज आपको ये मिलेगा। अब आइए इस पे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पे। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज में सबसे पहले बी को पहले लिखिए, फिर ए को लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ए बी का जो आपका ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, ये वेरीफाइड। अगले वाले में भी ऐसे करेंगे, ए और बी लेंगे और ए बी को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम कॉलम करो, फिर इन दोनों को पहले बी रखेंगे, फिर ए यहाँ पर आपको करना है, तो आप यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका ए बी और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, ए हमें अगर ये दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये करना है। ए हमारे पास ये है, ए का हम अगर ट्रांसपोज ले तो ये रो इस कॉलम में तब्दील हो गई और ये रो इस कॉलम में तब्दील हो गई। अब क्या करें, जो हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से आखिरी में, और फिर जोड़ देंगे इसको, जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ये 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 0 0 1, दैट मीन्स इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगले में करेंगे हम, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रांसपोज कैसे निकालिया, रो को कॉलम बदल दिया, इस रो को कॉलम बदल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी इसमें सिंपली ये सब चीज़ें आएंगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, दोनों में ये हमने प्रूव कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, शो दैट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें यहाँ पर बताना है कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और बल्कि ए ट्रांसपोज निकालिए, ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। अगर ए का किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर हम ये ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए के बराबर आता है, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज में हम माइनस वन कॉमन ले लें तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स आ जाता है। तो अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं और वो आपका माइनस ए आता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक मैट्रिक्स दिया है, हमको वेरीफाई करना है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक आपके पास ए है, रो कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम रो में बदल दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए करिए आप, दोनों को जोड़िए, और दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी। अब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आ गया, ए प्लस ए डैश, ये ओरिजिनल आ गया। इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए डैश करिए, ए माइनस ए डैश यानी ए डैश अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा कि मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में बोल रहा हूँ। तो ए माइनस ए डैश निकालिए, ए माइनस ए डैश ये आएगा। अब ए माइनस ए डैश का आप निकालिए ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, देखिए माइनस आ गई। तो जो वैल्यू थी अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश आ जाएगा। ये चीज़ क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आए, फाइंड दिस एंड दिस व्हेन ए इज दिस, हम आपको ए प्लस ए डैश बाई टू और ए माइनस ए डैश बाई टू निकालना है। ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, ए डैश कर दीजिए, ए डैश कैसे किया हमने, ये रो का कॉलम कर दिया, ये रो का कॉलम कर दिया, ये रो का कॉलम कर दिया, तो हमारे पास ए डैश आ गया। जैसे आपने ए डैश लिया, ए प्लस ए डैश करके देखिए, ए और ए डैश दोनों हैं, दोनों को जोड़िए, आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। इस तरीके से हाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, हाफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया। इस तरीके से ए माइनस ए डैश करिए, दोनों को माइनस करिए, मतलब हर एक मेंबर वाइज ये वैल्यू आएगी, इसका डिवाइड बाय टू कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। तो हैंस प्रूफ, जो हमको बताना था, हमको ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी, प्रूविंग नहीं थी, इसमें वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ गए, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसको पहले मैं एक अच्छे समझाता हूँ आपको, बाकी चार भी इसी तरीके से होंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका हम आप कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ये रो को कॉलम बदल दिया, ये रो को कॉलम बदल दिया, ए प्लस ए डैश कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा, ए प्लस ए डैश बाई टू कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये पी आया है जो आपने निकाला है, इसका पी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, सीधा पी आ गया ना, तो इसीलिए जो आपका ये हाफ ए प्लस ए डैश है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। चलिए दूसरा लेते हैं, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों को माइनस करिए, ए माइनस ए डैश का टू निकालिए, मतलब डिवाइड बाई टू निकालिए, आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। और ये क्या है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो क्यू माइनस क्यू आएगा, ये जो अगर क्यू मानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो माइनस क्यू आएगा। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स का आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो माइनस आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और वही आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। और अब इसमें ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सीधा पी प्लस क्यू, ठीक, आपका पी क्या है इसमें, ए प्लस ए डैश बाई टू और क्यू है ए माइनस ए डैश बाई टू। तो इसको रिप्रेजेंट अगर करना है ए को, मतलब इस चीज़ को, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ए प्लस ए डैश बाई टू और ए माइनस ए डैश टू, और वो क्या आता है, सीधा ए ही आ जाएगा आपका, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया। बगले में आते हैं, इस बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हर इसमें, हर इसमें आप क्या करेंगे,
जो आपको ए मिलेगा उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए प्लस ए डैश निकालिए, उसका बाय टू कर दीजिए, बाय टू कर दीजिए, इसको पी मान लीजिए। अगला लीजिए, क्योंकि इसका पी डैश करेंगे तो डायरेक्ट पी आएगा, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये सिमेट्रिक हो गया मैट्रिक्स, अब यहाँ पर आइए ए माइनस ए डैश निकालिए, उसको डिवाइड बाय टू कर दीजिए। अब क्यू का कॉम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस क्यू आएगा, तो एक सिमेट्रिक हो गया एक नॉन स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए पी और क्यू को, और वो जो है वो ए ही आएगा इस, और ए को ही तो रिप्रेजेंट करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में। इसी तरीके से तीसरे में भी ऐसे करेंगे, ए ए डैश दोनों को जोड़िए डिवाइड बाय टू कर दीजिए और कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख, कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लीजिए, आपका ओरिजिनल पी आना चाहिए। इस तरीके से ए और ए डैश बाय टू कर दीजिए, ये आपका पी आ जाएगा, ये सॉरी ए माइनस ए डैश कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय टू कर दीजिए, क्यू आ जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करके देखिए आपको माइनस क्यू आना चाहिए, माइनस क्यू भी आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पी और क्यू को जोड़ दीजिए, ये आपके पास ओरिजिनल ए आ जाएगा। फोर्थ में भी ऐसे करना है, ए है ए डैश है, ए प्लस ए डैश बाय टू निकालिए, ए प्लस ए डैश बाय टू, जो भी पी आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लीजिए, पी आना चाहिए। इस तरीके से ए माइनस ए डैश लीजिए और ए माइनस ए डैश बाय टू करिए, आपका क्यू आ जाएगा, और क्यू डैश को अगर हम वो करेंगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब आता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन बी ए बी माइनस बी ए इज अ, ये चीज़ बतानी है। अच्छा, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है ये किनमें से क्या है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब पहली चीज़ क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए वैल्यू आ जाएगी, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ए बी माइनस बी ए, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग ट्रांसपोज। अब इसका क्या होता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, ये क्या है बी ए माइनस ए बी, और इसको माइनस कर लीजिए कॉमन, तो आपका क्या आ गया ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी आएगा, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और उसका नेगेटिव आता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 12 में आते हैं, हमारे पास ए दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश आई है, तो हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, क्या है। तो हमारे पास ए है, ए डैश क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कर दीजिए, टू कॉस अल्फ़ा को वन रखिए, टू कॉस अल्फ़ा वन आएगा, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा पाई बाय थ्री, अल्फा इज पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री मतलब होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी वो पाई बाय थ्री सही होगी बी। ये बात हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं मैट्रिसेस की चैप्टर 3, तो इसमें इन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। इन्वर्सेस कैसे निकालते हैं पहले देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है 1, 2, -1, 3। हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लेंगे ये वाला, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, जैसे 2x2 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी होगी इसमें ये, और उसके बाद ये यहाँ पर ए रख देंगे, ठीक। अब इसी को ए इनवर्स में तब्दील करेंगे कैसे, हम अगर देखिए अल्टीमेटली उत्तर देखिए किस तरीके से आएगा, हम अगर इसको ये ऐसे बना दें कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है कि ए से मल्टीप्लाई करने पर ये आइडेंटिटी दिखा दे, तो ये ए ज़रूर ए इनवर्स होगी, ये सारा मुद्दा है। हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आर टू में चेंज करेंगे, यहाँ पर इस रो टू में चेंज करेंगे, और रो टू में क्या चेंज करेंगे, रो टू माइनस टू आर टू, तो ये दोनों जगह करना पड़ेगा, रो टू में चेंज करेंगे इस वाले में, इस रो टू में रो टू माइनस टू आर टू, मतलब यहाँ का इस रो का ट्वाइस करेंगे, इस रो का ट्वाइस करेंगे, और यहाँ से इस माइनस टू से या माइनस टू वन वाले रो से या 0.5 से इसका 2 times माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। आप क्या करेंगे, हम अगला रो टू में चेंज करेंगे, रो टू बाय 5, यानी ये जो रो टू है ये रो टू और ये रो टू, इसमें डिवाइड बाय 5 कर देंगे, सब में 5 कर देंगे। अब ये 5 हमने क्यों किया, उसका कारण ये था कि हम इसको बना रहे हैं आइडेंटिटी, तो ये देखिए एक 1 मिल गया, दूसरा भी 1 मिल गया, बस इस -1 को हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे,
हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, आर वन आर टू को, देखिए आर वन में चेंज करिए और इसको इससे जोड़ दीजिए, यहाँ पर वन प्लस जीरो में यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, यहाँ पर आर वन और जीरो को, मतलब वन को टू माइनस टू पॉइंट माइनस टू बाई फाइव से और जीरो को वन बाई फाइव से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी आ गया है, यहाँ आइडेंटिटी आ गया है और ये ज़रूर ए इनवर्स होगा, तो ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन टू में आते हैं, इसका भी ऐसी इन्वर्स निकालना है, टू वन वन टू, तो क्या करेंगे, ये सीधा ये वाला एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ए इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी है इसमें, किसी भी वैल्यू को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू वापस आ जाती है, तो यहाँ पर टू वन 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 है या वन जीरो जीरो वन है। अब इस तरीके से क्या करेंगे, ये वन जीरो वन जीरो, इसको यहाँ वन जीरो वन जीरो करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारी इन्वर्स होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रो वन में चेंज करेंगे, रो वन माइनस रो टू, यानी कि इन दोनों रो, इस इन दोनों को या ये रो को इन रो से माइनस कर देंगे इसमें, और चेंज केवल इसी में होगा। पहला तो ये हो गया, हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद रो टू में चेंज करेंगे, रो टू माइनस रो वन, अब इसमें इससे माइनस कर देंगे ऊपर वाले से, तो आपके पास करते ही आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब ज़रूर ये इन्वर्स होगा ये वाला, तो इन्वर्स डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन थ्री में बिल्कुल सेम यही चीज़ है, वन थ्री टू सेवन, ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, हमारे पास ये वन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें ऐसे फेर बदल करेंगे कि यहाँ पर अल्टीमेटली हमको वन जीरो जीरो वन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ पर रो टू में चेंज किया हमने, हम रो टू में चेंज करेंगे किस तरीके से, रो टू में चेंज करेंगे रो टू माइनस टू आर टू आर वन, यहाँ इस वाले रो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे, ये मिलेगा। अब आर टू में चेंज करेंगे, आर वन में सॉरी, आर वन में चेंज करेंगे इसमें, और कैसे चेंज करेंगे, थ्री आर टू, मतलब इसका तिहाई कैलकुलेट करके यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास ये चीज़ आ गई ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिल गया, ये आपका हो गया ए इनवर्स। अब इसका भी इन्वर्स निकालना है, टू फाइव थ्री सेवन, बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे आप, ए इज टू आई ए, ए इज टू आई ए लिखेंगे, ये ए हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तो सबसे पहले तो आप आर वन को बाई टू कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ वन ले आते हैं, हमको अल्टीमेटली यहाँ ध्यान रखना है कि हमको वन वन जीरो जीरो लाना है, उसके लिए ही सारे काम हो रहे हैं। फिर आप क्या करिए, आर टू में, इस आर टू में चेंज करिए, आर टू माइनस फाइव आर वन, क्यों, इससे देखिए अगर इससे पाँच गुना यहाँ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ जीरो मिल जाएगा, फिर ये वाला मिल जाएगा, ये वाली लाइन, और इसके बाद हम आर वन में आर वन प्लस थ्री आर टू करते हैं, यानी रो वन में चेंज करेंगे और यहाँ पर थ्री आर टू, तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। फिर आर टू में जब अल्टीमेटली ये मिल गया, तो आर टू में माइनस टू आर वन करेंगे, माइनस टू करते ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा ना टू से, ये प्लस वन बन जाएगा, और यही हमें चाहिए था। और जब आगे बढ़ेंगे तो ए इनवर्स हमको ये, दिस विल बी ए इनवर्स, ये वाला। इस तरीके से आप इन्वर्स निकालेंगे इसका भी, ये भी इन्वर्स का वही तरीका है, यहाँ पर बस आर वन को वन बाई टू आर टू एक बार करेंगे, और यहाँ पर आर टू को आर टू माइनस सेवन आर वन, आर वन को आर वन माइनस आर टू, और आर टू को टू आर टू, जो भी किया जा रहा है उनका एक ही चीज़ है, एक ही मुद्दा है कि आपको यहाँ इसको ऐसा चेंज करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के चलते आप देखिए ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये अपने आप चेंज होता रहेगा, और चेंज होते होते ये अल्टीमेटली जब जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला टर्म आपका इन्वर्स आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी इन्वर्स निकालेंगे, सेम तरीका है, इसका भी इन्वर्स निकालेंगे, सेम तरीका है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक थोड़ा बताना चाहता हूँ कि केवल रो में ही चेंज नहीं होता है, कॉलम में भी चेंज करना हो सकता है, ये आपका है ना, इसमें आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम को चेंज किया आपके पास क्या हो गया, ये कॉलम है, एक कॉलम को चेंज करिए, सी वन, सी वन माइनस टू सी टू, सी टू इज सी टू माइनस सी वन, सी टू में चेंज होगा, सी वन में चेंज होगा, इस तरीके से कॉलम में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसी हुआ है, इस तरीके से ये भी निकाल लेंगे, इसमें भी ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तरीके बिल्कुल सेम है। फिर हम आते हैं इन्वर्स, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ए इज इक्वल टू ए आई रखेंगे, इसमें भी ए इज इक्वल टू ए आई रखेंगे और चेंज करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ये भी ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, टू फोर वन टू में बिल्कुल सेम,
इन्वर्स यहाँ पर भी इसका निकलेगा। अब ये 3/3 आ गया। चलिए इसमें मैं बताता हूँ, इसमें भी ऐसे करना है। अब थोड़ा सा ए इजिकल टू आई ए होता है, तो ये ए हो गया, ये आई हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो चेंजेस करेंगे हमको ध्यान रखना है कि इस जगह पे हमको 1, इस जगह 1, इस जगह 1, बाकी जगह सब जगह 0 लाना है। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा काम इसमें बढ़ेगा आगे। R2 माइनस R1 करेंगे, R2 में 1/5 कर देंगे फिर। अच्छा, ये जो भी काम होंगे तो इस मैट्रिक्स और इट मैट्रिक्स में दोनों में एक साथ होंगे। तो ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इनवर्स आ जाएगा। कौन सा? ये वाला जो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ चला गया और ये जो है आपका इनवर्स आ गया। इस तरीके से अगले वाले में बिल्कुल सेम तरीका है। IA, जो भी रोज में चेंज करने हैं, जो भी कॉलम्स में चेंज करने हैं, वो इस तरीके से होंगे कि आपको यहाँ पर अल्टीमेटली बुलाना है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू जो होगी वो आपकी इनवर्स हो जाएगी। इस तरीके से इसका भी सेम काम होगा। ये सारे आपको ऑपरेशंस देख रहे हैं आप, ये पॉज करके देख लीजिएगा अगर किसी जगह अटकते हैं तो। इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए और बी इनवर्स होंगे एक दूसरे के, तभी जब ए बी इज़ इक्वल बी ए। अब देखते हैं, आंसर डी है इसका। क्यों? क्योंकि अभी तक हम यही करते आए हैं, अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए अगर आई है, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। ये आपको बताना था। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।